नमस्कार, वेलकम टू राजीव किचन। दोस्तों, आज एक बेहतरीन आइटम बना रहा हूं, पाइनएप्पल पुलिसेरी, यानी कि पाइनएप्पल कढ़ी बना रहा हूं। केरला की बहुत मशहूर आइटम है और ये कढ़ी जो आपने बना के खाने के बाद जो है बाकी सारे कढ़ी आप भूल जाएंगे। तो शुरू करें। दोस्तों, पाइनएप्पल कढ़ी यानी कि केरला शैल में पुलिसेरी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम पाइनएप्पल को काट कर तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने एकदम फ्रेश 1 किलो वाला लिया हुआ है, काट के छोटे छोटे पीस करेंगे। शाबाश, बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, पाइनएप्पल को हम कुक करेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कुकर में डाल के सिर्फ 2 विसल मारेंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, साल्ट फॉर टेस्ट। साथ में डालेंगे 4 हरी मिर्च, आधा कप पानी ऐड करेंगे, यानी कि 125 ml। इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 विसल मारेंगे। जब तक पाइनएप्पल तैयार हो तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। इसको बढ़िया तरीके से हम इसको फेटेंगे, यानी कि इसकी लिक्विड बनाएंगे। और हमने यहाँ पर 1 किलो लिया हुआ है। दोस्तों, 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे हम लोग। इसमें बेसन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ पाइनएप्पल दही, बस तड़का लगाना है, काम हो गया। दोस्तों, कुछ इस तरह बनाना है, देखिए, ना पतला ना गाढ़ा। दो विसल के बाद कुछ इस तरह कुक हो गया। अब देखिए, इससे ज्यादा कुक नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवर कुक होना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 75% काम हमारे हो चुका है। हमने बस तड़का लगाना है और पाइनएप्पल और दही डाल के उसको मिक्स करना है। अभी कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले डालेंगे साबुत मिर्च, तो हम डालेंगे 1 टीस्पून सरसों दाना। वन टीस्पून जीरा, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। अदरक लहसुन कूटा हुआ है, बढ़िया तरीके से हमने कूटा हुआ है। ग्रेवी नहीं करना है, इस तरह कूट कर डालेगा तो और मजा आएगा। सब पेस्ट डालेगा ना, सारी जल जाएगा। तड़का में कभी भी पेस्ट नहीं डालता है। इसमें हम एक छोटा सा प्याज, उसको भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। तड़का में थोड़ा सा प्याज डालने से और टेस्ट मजेदार हो जाता है। अदरक लहसुन मेथी सरसों दाना जीरा और साबुत मिर्च, इनका जो मिलन ना तड़का में जो पड़ता है ना, उसका मजे कुछ और होता है। और लास्ट में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बिना साउथ इंडियन आइटम कैसे बनेगा। दोस्तों, कुक किया हुआ पाइनएप्पल से हमने 1 कप निकाल के इसको मिक्सी में पीस के इसका ग्रेवी बना दिया, ताकि जो
थोड़ा सा इसमें गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हम इसमें बेसन वगैरह कुछ नहीं डाल रहे, इसलिए हम इसको करीब एक कप इसको पीस के बढ़िया सा ग्रेवी बना दिया। ब्राउन हो चुका है एकदम गोल्डन ब्राउन, इसे करेंगे हम कड़ी पत्ता डालेंगे, हल्का सा और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, इसको भी बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों चाहे तो आप इसके अंदर एक कप नारियल भी पीस कर डाल सकते हैं, ट्रेडिशनली बनाते टाइम नारियल पीस कर डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बना रहा हूँ इसलिए नारियल अवॉइड किए हुए, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तड़का में से हमने थोड़ा सा निकाल के अलग कर दिया क्योंकि ये गार्निश करने में काम आएगा। ओके दोस्तों, अब हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। पाइनएप्पल और पाइनएप्पल ग्रेवी डालने के बाद हमने सिर्फ एक मिनट को किया, तो हम क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे और दही ऐड करेंगे। दोस्तों दही डालने के बाद हम धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको जब तक इसकी जो तड़का जो लगाया ऊपर आ जाएगा, समझ लो कि रेडी हो गया, और फ्लेम बिल्कुल कम रखना है और हल्दी भी एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है, जैसे जैसे ये कुक हो जाएगा इसकी कलर और येलो होते जाएंगे। अपना पाइनएप्पल कड़ी रेडी हो चुका है, देखे ये जितना हमने जो तड़का लगाया सारे ऊपर ऊपर आना शुरू किया। एक टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे क्योंकि दही थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सही रहता है, दही जो हमने लिया था इतना खट्टा नहीं था इसलिए हमने एक टेबलस्पून डाल दिया, चाहे तो दो भी डाल सकता है। बस दोस्तों पुलशेरी यानी कि केरला स्टाइल पाइनएप्पल कड़ी एकदम रेडी हो चुका है, आप ही अपने घर पे ट्राई जरूर कर लेना, ये आप हफ्ते भर भी घर पे खा सकते हैं चावल के साथ या वैसे भी खा सकते हैं, और इट्स वेरी वेरी फंटास्टिक ट्रेडिशनल आइटम फ्रॉम केरला। Action! Welcome to Kuru Shorties! Wait a minute. Action!